बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामुअलैकुम। नया दिन, नया व्लॉग जी। आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं। सुबह का टाइम है और हसीब और हारिस का डे है आज। हसीब ने जाना है मदरसे, तो वो नहाने के लिए वेट कर रहा है, कपड़े निकाल चुका है। अभी टाइम 7:45 का हुआ है। हारिस जो है स्कूल जा चुका है, उसको उसके फादर छोड़ने गए हैं। और जी मैं भी रेडी हूँ अपनी ग्रीन टी के साथ। तो आज हम चलेंगे स्कूल और वहाँ पर जाके भी आपको अपडेट करूँगी इंशाल्लाह। तो आज मेरा स्कूल डे है, तो इसलिए जो है मैं भी सुबह सुबह रेडी हूँ जाने के लिए। तो हमारे साथ रहिएगा, आज का व्लॉग अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जनाब निकल आए हैं, हमारे साथ है जी यकूत और अरुण भाई, और साथ में ये जो डिस्पेंसर हम लेके आए थे, ये डिस्पेंसर भी साथ रख लिया है, ये वहाँ पर सेट करवा लेंगे। चलेंगे ये जनाब वापसी के लिए निकल आए हैं स्कूल का काम करते करते। मुझे बहुत देर हो गई, तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है, तो मैं घर जा रही हूँ। अभी मैंने बना के देना है बच्चों को नाश्ता, तो घर चलते हैं और नाश्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्कूल से घर आने के बाद जी ये चाय वाली सेवैयाँ बनाई हैं, और ये देखें जी ये आईपैड पे देख रहा है गेम्स और सेवैयाँ भी खा रहा है। हसीब जो है रोटी पराठा खा रहा है। ये लेटा इंतज़ार कर रहा है कि कोई मुझे कहे कि खा लो तो मैं खाऊं, वरना मैं ना खाऊं। आज जनाब मुल्तान के जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, मीन के जो लोग कपड़ों के काम कर रहे हैं, मैं उनको कभी नहीं मिली फेस टू फेस। फ़ोन पे बहुत अरसे से हमारा कांटेक्ट है, क्योंकि काम भी मैं बहुत अरसे से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ और बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो आज जी हमारा है मीटअप, और वो है जी यम्स पे। तो मीटअप के लिए हम तीन फ्रेंड्स जो है इकट्ठे हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि कभी हमने एक दूसरे को फेस टू फेस नहीं देखा। तो आज मज़ा आने वाला है। तो हम जो है पहुंच चुके हैं यम्स पे, तो अंदर चलते हैं और मिलते हैं। तकरीबन जनाब मैं 4:30 बजे घर से निकली थी, और वापसी पे मुझे जो है तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया है, मगरिब हो चुकी है। तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है कि मैं वापस जा रही हूँ। तो बस जी घर जाते हैं, बच्चों को भी देखना है, बहुत सारे काम हैं पेंडिंग जो कि करने वाले हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा सोच से ज़्यादा टाइम लग गया है। तो बस घर चलते हैं, घर से निकल रहे हैं, रात का टाइम है, तो काफ़ी दिन से बाहर नहीं निकले, तो बच्चे ज़िद में थे। वैसे भी आज मैं अकेली बाहर हो गई हूँ, तो बच्चे ज़िद में थे जी, हम नहीं गए। तो जी इनको ज़रा चक्कर लगवाने के लिए बाहर जा रहे हैं। जनाब और स्कूल से होके आई हूँ, घर आ गई हूँ, और मैंने थोड़ा सा नाश्ता अपना बनाने लगी हूँ। ये देखे जनाब, अंडे बॉईल किए हैं मैंने, बॉईल एग लूँगी मैं। और अभी जो है हमदान स्कूल है, हसीब भी मदरसे से नहीं आया, और आई डोंट नो कि ये अंडे के दरमियान में से ये क्या लिक्विड निकला है। बहरहाल जी जैसा भी है खाएंगे। तो साथ में है मेरे पास चने, तो मैं चने भी लूँगी और एक स्लाइस ले लूँगी, नाश्ता ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो जनाब ये थी हमारी रूटीन, और आज बहुत सारे काम होने वाले हैं। इस तरह के आज जी एक जगह पे लैपटॉप देखने भी जाना है, सिस्टर ने लैपटॉप लेना है, वहाँ जाएंगे। स्कूल से मैं हो आई हूँ, बाज़ार भी जाना है आगे जी, फैमिली में एक शादी है, ज़रूर अपडेट करेंगे, सब पता चलेगा आपको। तो शादी की तैयारी भी शुरू करनी है, और इस वक्त है जी 10:45 का टाइम। 11 बजे इरफान साहब जाएँगे हमदान को लेने के लिए, और बस हम दिन शुरू करें। और आज 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 टेलर से कपड़े उठाने हैं, उनको साइज़ चेक करना है और पैक भी करने, तो ये सारी रूटीन होने वाली। नाश्ता बना के ले आई हूँ, 2 बॉयल एग है, और आई थिंक मैं इनकी योक नहीं लूँगी दोनों की, और चने हैं, ये जी ब्रेड है, तो ये नाश्ता करेंगे। ये जनाब नाश्ता बन रहा है अब बच्चों के लिए, हाफ फ्राई हसीब के लिए, जी नहीं कि वो फुल फ्राई नहीं खाता, तो इसको बड़े आराम से बनाना पड़ेगा। साथ में जनाब मैंने यहाँ पे दाल रख ली है, तो दाल भी ऑलमोस्ट बस इसको अब ये जैसे ही उबाला आता है इसको हम लगा देंगे दम नहीं सुक कुकर
ठीक है। और इसका नाम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। घर से मैं निकल आई हूँ, काफ़ी सारे काम थे तो वो कर लेते हैं। यहाँ पे जनाब निकले हैं कि कुछ कपड़े देखे जाएं, कुछ शॉपिंग की जाए। तो सबसे पहले तो अपने घर के नज़दीक जो मार्केट है वहाँ पे आए हैं, फिर यहाँ पे अगर कुछ पसंद नहीं आता तो अंदर भी जाएंगे, यानी अंदरून वाली साइड पे, मुल्तान के अंदरूनी साइड पे, जैसे बोरगेट है, हुसैना गाई है, काला मंडी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर कुछ पड़ा है कि नहीं पड़ा। हाँ जी, यही वाली है। ये जनाब हम बाज़ार आ चुके हैं और माशाल्लाह अंदरून बाज़ार की आप रौनकें चेक करें। तो फर्स्ट शॉप है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये देखें जी जनाब, मगरिब की अजान हो रही है। तो बाज़ार का हाल देखें, ऑरेंज भी हो और वाइट भी, वाइट भी अच्छा लग रहा है। मल्टी नहीं, वाइट बस, उसमें कोई कलर ना हो, दिखाएं क्या है। ये इतने प्यारे स्टारों वाला है, इसमें ना वाइट है ना ऑरेंज है। ये लाइट कलर आती है, इसमें कुछ कलर आता है। नहीं, ऊपर देखे ना, मैजेंडा भी है, रेड भी है, रेड वाला भी प्यारा है। चलिए, अच्छा ये येलो तो खोल के दिखाएं ना जरा। रुके हैं जनाब, और ये देखें, और ये हमने शर्ट ली है एक बच्चे के लिए, और ये थोड़ा सा ग्रीनिश टच में हो गया भाई। यूट्यूबर है ये, आपकी दुकान यूट्यूब पे आई। हाँ, ये देखें, नहीं लेकिन ये ग्रीन का टच आ रहा है। यहाँ पे रुके हैं जनाब, ये देखें माशाल्लाह, ये ऑर्गेन्जा में बहुत ही खूबसूरत प्रिंट है। ये चेक करें, प्रिंटेड ऑर्गेन्जा है और उसके फ्रॉक बनाए जा सकते हैं और उसके ऊपर काम भी हुआ हुआ है। ये बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त शॉप है। इनकी दुकान का नाम है न्यू बख्तियारी सिल्क सेंटर। इधर जी, हाँ जी, शीशे वाली देखते हैं, ये जी शीशे वाली बहुत कुछ पड़ा हुआ है इनके पास। नहीं, ये ना खोलो, ये इस तरह का नहीं चाहते जनाब। बाजी का तो लिया था, मुझे अपने लिए भी पसंद आ गया है ये वाला पिंक, मैंने भी ले लिया। ये देखिए, ये इनर लगेगा इसके नीचे और पहले वाला तो बटन निकाल दी इसमें। ये जनाब हम वापसी पे आ रहे हैं रिक्शे पे। हाँ जी, क्योंकि हमें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देर लगने वाली थी तो ड्राइवर को घर भेज दिया था, तो अब हम आए हैं वापस रिक्शे पे, ऑलमोस्ट घर पहुँच गए हैं। और यकीन जानिए